हे गाइस व्हाट इज अप दोस्तों, कई सारे लोगों को ये यार जानना होता है कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे जो यहाँ पे अनसीन या फिर डिलीटेड मैसेजेस होते हैं उनको यहाँ पे कैसे रिकवर करें या फिर उनको यार बाद में हम कैसे पढ़ सकते हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यार, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे हमें यहाँ पे इनबिल्ट कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता है जिससे हम यहाँ पे जो डिलीटेड मैसेजेस होते हैं या फिर जो अनसेंड मैसेजेस होते हैं उनको यहाँ पे रिकवर कर पाए। तो इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी ऐप का यूज तो करना ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली से क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसका नाम है WAMR। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपली से प्ले स्टोर पे जाके WAMR सर्च करना है और इस ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में अपने फोन में इंस्टॉल कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही ये ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आप उनको दे दीजिएगा और उसके बाद में दोस्तों ये आपसे पूछता है कि भाई आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पे यहाँ पे डिलीटेड मैसेजेस सपोर्ट होते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से चूज करने हैं। तो आप अपनी मर्जी से, अगर आपको सिर्फ व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेजेस पढ़ने हैं तो आप व्हाट्सएप सिलेक्ट करिएगा, अगर आपको इंस्टाग्राम के अनसेंड मैसेजेस को यहाँ पे रिकवर करने हैं तो आप इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे सभी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जितने भी ऐप यहाँ पे आपने सिलेक्ट किए हैं उन सभी के आपको डिलीटेड मैसेजेस इस ऐप के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐप आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों मान लीजिए मैं आपको कोई यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आएगा कि मैंने आपको ये मैसेज सेंड किया है। तो दोस्तों ये ऐप क्या करता है, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है आपके फोन में उसी टाइम ये उस नोटिफिकेशन को स्टोर कर लेता है। तो दोस्तों अगर आप बाद में यहाँ पे इस ऐप को खोल के देखते हैं तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपके सारे मैसेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर चाहे वो यूजर जिसने आपको मैसेज भेजा है वो उसे डिलीट ही क्यों ना कर दे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी दोस्तों आपको पता ही होगा यार कि जब भी कोई हमें मैसेज भेजता है तो भैया आखिर यार उसे भी एक दो सेकंड का टाइम लग जाता है उसे डिलीट करने में, और वही टाइम मतलब उसी टाइम के अंदर ये जो ऐप है WAMR ये उसी टाइम पीरियड में इस मैसेज को या फिर उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे स्टोर कर लेता है और हम उसे बाद में एक्सेस कर सकते हैं उस ऐप के अंदर। तो दोस्तों देखा आपने कितना सिंपल सा इस ऐप का प्रोसेस है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये ऐप। अगर आपको भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली हाईटेक वीडियो में, तब तक के लिए एज़ ऑलवेज़ गुड बाय।